हेलो फ्रेंड्स, हम यूनान की प्राचीन सभ्यता को समझ रहे हैं और इस सीरीज की ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम यूनानी राज्य की पतन एवं मैसेडोनिया की उदय को समझेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। शुरू करते हैं। 4 जुलाई 362 ईसा पूर्व को स्पार्टा और थिप्स के बीच हुए बैटल ऑफ मेंटेनिया में थिप्स की हार हुई। हालांकि ये जंग काफी बड़े स्तर पर लड़ी गई जिसमें सभी छोटे बड़े यूनानी राज्य शामिल हुए। कुछ स्पार्टा की तरफ से थे तो कुछ थिप्स की तरफ से। इस जंग में शामिल सभी राज्यों के काफी ज्यादा अपने सैनिक मारे गए जिस कारण ये सभी राज्य शक्तिहीन हो गए। अगर आसान भाषा में कहें तो अब ऐसा कोई राज्य इतना ताकतवर नहीं था जो कोई और जंग लड़ सके। इस कमजोरी का फायदा उठाया यूनान के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया नामक राज्य ने, क्योंकि मैसेडोनिया में अब फिलिप सेकंड की शासन स्थापित हो चुकी थी। अब दोस्तों, ये जो फिलिप सेकंड था इसने अपने बचपन के दिन थिप्स में बिताया था, जब थिप्स काफी ज्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था और वो सभी यूनानी राज्यों का नेतृत्व भी करता था। उस वक्त फिलिप सेकंड थिप्स किंग एपमेनिडियस से वो सब कुछ सीखा जो एक राजा और योद्धा को सीखना चाहिए, और यही कारण था कि उसमें एक काबिल योद्धा और शासक के गुण मौजूद थे। 23 वर्ष की आयु में 359 ईसा पूर्व में ये यानी फिलिप मैसेडोनिया का किंग बन गया। सत्ता पर बैठते ही इसने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया और अपनी सेना को काफी मजबूत भी बनाया। मैसेडोनियन लोग अपने आप को यूनानी ही मानते थे क्योंकि इनकी भाषा, रहन सहन काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती थी, मगर यूनान के लोग इन्हें यूनानी ना मानकर बार-बार मानते थे। इस वक्त तक यानी 357 ईसा पूर्व तक सभी यूनानी राज्यों में काफी ज्यादा आपसी मतभेद था और ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक समय था जब स्पार्टा, एथेंस, थिप्स जैसे राज्यों ने सभी यूनानी राज्यों का नेतृत्व किया था, मगर लंबे समय से युद्ध करते रहने के कारण ये राज्य भी कमजोर हो गए थे। ये सब देखते हुए मैसेडोनियन शासक फिलिप सेकंड अपनी सेना लेकर दक्षिण में यानी एथेंस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मिले सभी राज्यों को वो अपने अधिकार में लेता गया और एम्फिपोलिस नामक राज्य पे अपना शासन स्थापित कर लिया। टेरिया से होते हुए थिसली तक आ गया। जब ये बात एथेंस को पता चली तो एथेनियन लीडर डेमोस्थेनीज ने कुछ राज्यों को अपने साथ मिलाकर एक संघ बनाया और उस संघ की सेना को फिलिप सेकंड से जंग के लिए भेज दिया, मगर इस संघ की सेना फिलिप के सैनिकों से हार गई क्योंकि फिलिप की सैन्य ताकत काफी बड़ी थी। इसी बीच दो यूनानी राज्य थिप्स तथा फोबिया एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे जिसमें थिप्स की हार हुई। अब थिप्स वालों ने फिलिप सेकंड से सहायता मांगी। फिलिप सेकंड बिना देर किए थिप्स की सहायता के लिए चल पड़ा क्योंकि फिलिप भी यही चाहता था और अब उसे एक वजह भी मिल गई। इस तरह मैसेडोनियन किंग फिलिप सेकंड थर्मोपुली मुहाने पर अपना कब्जा कर लिए। अब एथेंस समझ चुका था कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। इस बार एथेंस ने काफी बड़ी सेना इकट्ठा किया और फाइनली 338 ईसा पूर्व में एथेनियन और मैसेडोनियन में एक भीषण युद्ध छिड़ गया जिसे बैटल ऑफ चेरोनिया के नाम से जाना गया। इस युद्ध को बड़े स्तर पर लड़ा गया जिसमें थिप्स और स्पार्टा के सिवाय सभी यूनानी राज्य शामिल हुए, मगर अंत में फिलिप सेकंड की ही जीत हुई। इस तरह फिलिप सेकंड पूरे यूनान पे अपना अधिकार जमा लिया सिवाय स्पार्टा के, और यहीं से यूनानी राज्यों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। कुछ इतिहासकारों की माने तो एथेनियन लोगों के अनुसार फिलिप सेकंड दूसरे आक्रमणकारियों की तरह क्रूर नहीं था, वो सभी लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आया और अब मैसेडोनिया के अधिकार में रहकर यूनानी राज्य मैसेडोनिया की संस्कृति में ही घुल मिल गए क्योंकि मैसेडोनियन और यूनानियों की सभ्यता और संस्कृति बहुत हद तक एक समान थी। इसके बाद फिलिप सेकंड मैसेडोनिया लौट गया जहाँ 21 अक्टूबर 336 ईसा पूर्व को 46 वर्ष की आयु में एक षड्यंत्र के तहत फिलिप सेकंड को मार दिया गया। कहा जाता है कि इस षड्यंत्र में उसकी पत्नी ओलंपिया का हाथ था जिसे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।